गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर सिक्स। चैप्टर नेम इज़ मल्टीप्लिकेशन, मीन्स गुणन या गुणा। टुडेज अवर टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, मीन्स बार बार जोड़ के रूप में गुणा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मुस्कान रिसीव्स सिक्स बास्केट्स ऑफ एप्पल्स फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, मीन्स मुस्कान को उसकी दादी से सेब की 6 टोकरियाँ प्राप्त होती हैं या मिलती हैं। ईच बास्केट हैज़ 3 एप्पल्स इन इट, मीन्स प्रत्येक या हर एक टोकरी में 3 सेब हैं। लेट अस फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स शी हैज़, मीन्स आइए हम उसके पास सेबों की कुल संख्या ज्ञात करें। We can do it by adding the number of apples in each basket, means हम प्रत्येक टोकरी में सेबों की संख्या को जोड़कर ऐसा कर सकते हैं। देखो बच्चों, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18। There are 6 groups of 3, means 3 के 6 समूह। We can also write it as 6 × 3 = 18, means हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 3 = 18। देखो बच्चों, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसे हम क्रॉस भी कह सकते हैं। We read the multiplication fact as 6 × 3 = 18, means हम गुणन तथ्य को इस प्रकार पढ़ सकते हैं, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है इसे हम इस तरह रीड कर सकते हैं, 6 × 3 = 18। द नंबर्स 6 और 3 आर कॉल्ड द फैक्टर्स एंड 18 इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, मीन्स संख्या 6 और 3 को फैक्टर्स यानी गुणनखंड और 18 को प्रोडक्ट यानी गुणनफल कहा जाता है। यानी जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उन्हें फैक्टर्स कहा जाता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन इज सिंपली रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर, मींस मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन या गुणा सेम नंबर यानी एक ही संख्या के जोड़ को दोहराना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, मीन्स आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं। 2 + 2 + 2 + 2 = 8, फोर ग्रुप्स ऑफ 2 = 8, यानी इसे हम कहेंगे 2 के 4 समूह, या इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 4 × 2 = 8, और इसे हम रीड करेंगे 4 × 2 = 8। बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मीन्स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थान भरिए। देखो बच्चों, फर्स्ट सम हमें करके दिखाया गया है। देखो बच्चों, फर्स्ट सम में हमें दिए गए हैं 3 groups of 5, इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 3 × 5, या 3 × 5 = 15। सेकेंड सम में हमें दिए गए हैं 5 groups of 4, तो इसे हम इस प्रकार राइट कर सकते हैं, 5 × 4, या 5 × 4 = 20, तो हम यहाँ 20 फिल करेंगे। बच्चों, इसी तरह हम बाकी के ब्लैंक्स फिल करेंगे। सम थर्ड इज 4 groups of 3। देखो बच्चों, पहले हम इसे ऐसे राइट करेंगे, 4 × 3, और इसे हम रीड करेंगे 4 × 3 = 12। सम फोर्थ इज 6 groups of 1 = 6 × 1 = 6, यानी 6 × 1 = 6। सम फिफ्थ इज 4 groups of 10 = 4 × 10 = 40, इसे हम रीड करेंगे 4 × 10 = 40। सम सिक्स्थ इज 7 groups of 2 = 7 × 2 = 14, यानी इसे हम रीड करेंगे
7 times 2 is equal to 14. Sum 7th is 6 groups of 4 is equal to 6 multiply 4 is equal to 24. यानी से हम रीड करेंगे 6 times 4 is equal to 24. Students, today's your homework is chapter 6, exercise 1, solve in your maths book and revise. Thank you.